आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के बारे में 2023 अगस्त का महीना किस प्रकार रहेगा। तो अगस्त महीने की हम बात कर रहे हैं, ये फलित आपके सामने लेकर आए हैं, आप सभी लियो उसको, सिंह राशि वालों को सावधानी पूर्वक सुनना है, ठीक। लेकिन इससे पूर्व मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि हम यहाँ जो राशिफल लेते हैं वो हम चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं, कृपया इसको सनसाइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का महीना 2023 किस प्रकार व्यतीत होगा। तो सिंह राशि वालों के लिए हम बहुत ही सुंदर योग देख रहे हैं। अकस्मात शायद एक नए घर में प्रवेश, अगर आप बहुत समय से एक नया घर लेने की सोच रहे तो शायद इस महीने में आपका उस घर में पदार्पण हो चुका होगा, आपको वो घर मिल चुका होगा और बहुत ही अच्छे से आप खुश होंगे, अपने घर को डेकोरेट करने में लगे हुए होंगे। सिंह राशि वालों के लिए एक और भी बहुत सुंदर योग बना हुआ है, अगर सिंह राशि के पेरेंट्स फैमिली प्लान कर रहे थे तो ये महीना उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, आप चाहें तो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। बच्चों के लिए, जो सिंह राशि के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत सुंदर योग है, बहुत खुश मिजाज रहेंगे, आसपास बहुत सुंदर माहौल रहेगा। ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए महीना बहुत बहुत फ्रूटफुल नजर आता है। अब स्टेप बाय स्टेप हम हर एक एरिया को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले मैरिड अनमैरिड कपल्स, तो मैरिड अनमैरिड कपल्स के लिए हम देखते हैं कि बहुत अच्छा समय है, आप अपने काम में बहुत अच्छे से व्यस्त हैं और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा हुआ है, बहुत अच्छा ओवरऑल चल रहा है आपका। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ज्यादा फोकस है लेकिन आपकी लव लाइफ भी अच्छी चल रही है, कोई ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं हम जॉब वालों पे, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए हम देखते हैं कि आपको कोई ऊंचा पद मिलने का योग बना हुआ है, कोई प्रमोशन, कोई रिकग्निशन अपने बॉस से, आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिकग्निशन मिलेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभकारक होगा, ये महीना आपके लिए बहुत शुभ होगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत समय से तैयारी कर रहे थे और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, हो सकता है आपको आंसर यस आए और ये बहुत ही शुभ रहे आपके लिए। अब हम आ जाते हैं बिजनेस वालों की तरफ, तो हम देखते हैं बहुत हाई डील्स होने के योग बने हुए हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के काम में खास करके बहुत ज़्यादा लाभ होने के चांसेस हैं। कपड़े से रिलेटेड काम, लड़कियों के जो चुनियाँ होती हैं, जो लड़कियों के साड़ियाँ होती हैं, या टॉवल्स हो गए, या आपके चद्दर वगैरह हो गए, इस तरीके के कोई काम आप करना चाहते हैं तो वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा। एनीथिंग रिलेटेड टू फैब्रिक हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अच्छा रहेगा। मैं देखती हूँ कि फॉरेन ट्रैवल के योग भी आपके थोड़े बहुत विकसित हैं, या कुछ ऐसा होगा कि फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई काम आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, या फिर अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम नहीं है तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आपके कोई संपर्क बने, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज होती ही बाहर की है मेजरली, और वहां से रिलेट करके आपका कोई कार्य हो, समथिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू फॉरेन कंट्री, और वो आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। तो बिजनेस वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय निकलेगा। अगर अब मैं बात करूँ स्टूडेंट्स का, तो स्टूडेंट्स का भी मैं बहुत उज्जवल टाइम देख रही हूँ। अगर आपने कोई एंट्रेंस दी थी तो वो क्लियर होगी, अगर आप किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आप अच्छे से करिए, उसमें आंसर यस आ सकता है यदि इस महीने वो एंट्रेंस है तो, क्योंकि हम इस महीने की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, ठीक है। सूर्य भगवान को जल देना ना भूले, क्योंकि सूर्य इस महीने आपके अधिष्ठाता देव हैं, सूर्य सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स सिंह राशि वालों को इस महीने दे रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं हेल्थ की तरफ, तो हेल्थ आपकी बहुत उज्जवल नजर आती है, कोई खास परेशानी नजर नहीं आती। अगर आपको इस महीने में कुछ खास और उपार्जित करना हो तो हयग्रीव भगवान की उपासना अवश्य कीजिए। हयग्रीव एक विष्णु जी का अवतार है, आप गूगल से उनका कोई मंत्र निकाल कर हयग्रीव जी की एक माला जाप रोज करके भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं, या सूर्य भगवान का ओम सूर्याय नमः एक माला जाप करके भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं और इस प्रकार अपने इस महीने को और ज्यादा सुंदर और मंगलमय बना सकते हैं। आशा है महीना जो भगवान सूर्य, भगवान नारायण की कृपा से ऑलरेडी इतना मंगलमय है, वो प्रभु की भक्ति के पुट से और सुंदर व्यतीत हो। धन्यवाद।